नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइंस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूँ रक्षाबंधन पर सभी महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा एक गिफ्ट। घरेलू गैस सिलेंडर कल से 200 रुपए सस्ता। भोपाल में 908, जयपुर में 906 हुई कीमत। उज्ज्वला सिलेंडर पर अब कुल 400 की रियायत। केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की है। इसके साथ ही दिल्ली में अब कीमत 1103 रुपए से घटकर 903 रुपए, भोपाल में 908, जयपुर में 906 रुपए हो गई। नई कीमत 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से लागू होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओनम और रक्षाबंधन के त्योहार पर दाम घटाकर पीएम मोदी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। देश के 33 करोड़ कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर वित्त वर्ष 2023-24 में 7680 करोड़ का बोझ आएगा। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन बांटेगी। इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सरकार का यह कदम काफी मायने रखता है। राजस्थान में कांग्रेस ने इसी साल 1 अप्रैल से बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस देने की योजना लागू की है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। दोनों राज्यों में नवंबर दिसंबर में चुनाव हैं। इससे पहले मार्च में हुआ था कीमतों में बदलाव। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम मार्च 2023 में 50 रुपए बढ़ाए गए थे। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 1103 रुपए हो गई थी। जून 2020 से एलपीजी पर नहीं मिल रही है सब्सिडी। इंडिया गठबंधन के कारण एलपीजी की कीमतें कम हुई। उज्ज्वला योजना में आवेदन करने के लिए अब अपने नजदीकी ई मित्रा से संपर्क कर सकते हैं। अब तक देश में 9.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन हो चुके हैं। ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर, न्यूज, घटना, स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना अमित लक्की धवन जल्द मिलता हूँ एक और बड़ी खबर के साथ।